साथियों, दुनिया में सभी इंसान पैसे के पीछे ही भाग रहे हैं। सभी अपने अपने तरीके से पैसा कमाने में लगे हुए हैं। लेकिन दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी समस्या ही ये है कि इसे हमें कमाना ही पड़ता है, इसे हम छाप नहीं सकते, नहीं तो दोस्तों जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। मगर क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर पैसा बनता कैसे है, और किस तरह के पेपर का यूज किया जाता है, और किस तरह का इंक यूज किया जाता है, और प्रिंटिंग कैसे होती है? तो दोस्तों, अगर यह सभी सवाल आपके दिमाग को परेशान कर रहे हैं तो बने रहें इस वीडियो के अंत तक, आपके सभी सवालों के जवाब आज मिल जाएंगे। साथियों, भारत में भी 20, 50, 100, 500, 2000 नोटों को बनाने के पीछे भी एक लंबी प्रोसेस होती है। क्या आप जानते हैं कि रुपया शब्द एक समय दिल्ली पर राज करने वाला शासक शेर शाह सूरी ने दिया था। साथ ही हमारे देश में पहला वाटर मार्क वाला नोट 1861 में छापा गया था। आपको बता दें, जो नोट भारत में छपते हैं उनके लिए कागज को दूसरे देशों से भी मंगवाना पड़ता है, क्योंकि यह एक खास तरह का कागज होता है जो भारत में ज्यादा नहीं बनता है। फिलहाल भारत में नोट छापने का अधिकार RBI के पास है। अगर सरल भाषा में बताएं तो यह सभी बैंकों का इंस्ट्रक्शन देने का काम करता है, इसलिए इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। इसलिए भारत में चल रहे सभी बैंकों पर RBI की नजर होती है। तो आइए हम लोग जान लेते हैं कि ये नोट आखिर बनते कैसे हैं। प्रोडक्शन प्रोसेस। साथियों, आपको बता दें कि पैसा बनाने वाला पेपर, हर घर में इस्तेमाल होने वाले बुक, न्यूज़पेपर, मैगजीन और कॉपी के पेपर से ये बिल्कुल अलग होता है। पैसा बनाने वाले पेपर में 75% कपास यानी कि कॉटन और 25% लेनिन को मिलाया जाता है, और फिर कॉटन और लेनिन को पैसा बनाने वाली बड़ी बड़ी फैक्ट्री में लाया जाता है, जहाँ पर एक मशीन के जरिए इन दोनों को आपस में अच्छे से मिक्स कर लिया जाता है। फिर इनमें से पानी को अलग करके इस सूखे हुए मिक्सचर को दूसरे मशीन में डाला जाता है, जो इसे बड़े बड़े शीट्स में बदल देती है। तो दोस्तों, पैसा छापने वाला कागज बनकर रेडी हो चुका है, और अब आता है इसका डिजाइन स्टेज। इस पेपर को भारतीय नोट का रूप देने के लिए इस पर प्रिंटिंग करनी होती है, जो कि बहुत सोच समझकर की जाती है, जैसे कि आर्ट वर्क, ग्राफिक डिजाइनिंग और सभी सिक्योरिटी फीचर को मिलाकर एक परफेक्ट नोट इस स्टेज में तैयार किए जाते हैं। भारतीय नोट में हमें एक चमकीली पट्टी देखने को मिलती है, जिसके बिना नोट को चला पाना नामुमकिन है, क्योंकि लोग इसी पट्टी को देख पता करते हैं कि यह नोट असली है या फिर नकली। साथियों, आपको बता दें कि मिक्सचर का पेपर बनने के बाद सबसे पहले इस पर यह पट्टी ही लगाई जाती है, जिसके लिए पेपर के बंडलों को एक मशीन में डाला जाता है, जो कि एक सही शेप और साइज के अनुसार इस पर पट्टी चढ़ाई जाती है, जिसके बाद गांधी जी के फोटो का वाटर मार्क नोटों पर डाला जाता है। नोटों को एक परफेक्ट और एक्यूरेट डिजाइन देने के लिए मशीन में इसके मेजरमेंट और विजिबिलिटी को एक समान ही रखा जाता है। इसके साथ ही आपने हर नोटों पर कुछ नंबर लिखे हुए देखे होंगे, जो कि दोस्तों उस नोट के सीरियल नंबर होते हैं, जिसे कि छापते समय एक ही सीरीज में बड़े ध्यान से डाला जाता है। दोस्तों, प्रिंटिंग के समय हर चीज को चेक करने का जिम्मा क्वालिटी इंस्पेक्टर का होता है, जो कंप्यूटर के जरिए ही इन्हें अच्छे से चेक करते रहते हैं। करेंसी कलरिंग स्टेज। यह स्टेज काफी मुश्किल वाला होता है, क्योंकि इस स्टेज में नोट के रंग पर ध्यान दिया जाता है। जिस कलर का नोट होता है, उस रंग के कलर को मशीन में जरूरत के हिसाब से मिला दिया जाता है। अगर जरा सा भी कलर ऊपर नीचे होता है तो पेपर खराब हो जाता है। तो साथियों, डाला हुआ कलर पेपर पर प्रिंट होकर बाहर आता है, जो देखने में पूरा तैयार लगता है, लेकिन फिर भी अभी इसमें काफी सारी चीजें बाकी होती हैं। फिनिशिंग एंड चेकिंग। अब नोटों पर कलर होने के बाद इन पर लिखी हुई संख्या को चमकीले स्पार्कल जैसे पेंट से मशीन के जरिए हाईलाइट किया जाता है, जैसा कि दोस्तों आपने 2000 और 500 के नोट पर चमचमाता हुआ देखा होगा। अब सब हो जाने के बाद एक एक नोटों को चेक किया जाता है कि बने हुए नोट में कोई कमी तो नहीं है, जैसे कि कलर, सीरियल नंबर, वाटर मार्क और लिखे हुए शब्दों को प्रॉपर तरीके से चेक किया जाता है। इस दौरान जो नोट खराब होते हैं, यानी जिसमें कोई कमी होती है, उन्हें एक तरफ हटा दिया जाता है, और सही छापी गई सभी नोटों की सीट को आगे की प्रक्रिया के लिए मशीन में डाल दिया जाता है। तो दोस्तों, अब बारी आती है कटिंग की। अब चेकिंग करने के बाद नोटों को बड़े ध्यान से ही सही शेप में काटा जाता है। काटने के साथ साथ इन नोटों को प्रेस भी किया जाता है।
जिससे नोट एकदम कड़कड़ सा हो जाता है। तो दोस्तों इसे फाइनली कटिंग के बाद पैक कर दिया जाता है। तो देखा आपने कितनी प्रोसेस होने के बाद एक नोट हमारे हाथों में आती है। तो साथियों अब आप जान चुके होंगे कि नोट कैसे बनता है, तो इसीलिए आज की ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने प्रिय मित्रों के पास शेयर करें, और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और उस बगल वाले बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।